जहाँ तक लग रहा है कि आप स्पेशल प्लेट खा रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? बेहतरीन है सर। आप मुझे बताएं आपको टेस्ट कैसा लगा इसका? बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसा है आप सब? पाकिस्तानी फूड फॉर मूड की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। टुडेज वीडियो इज गोना बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ 52 थाली रेस्टोरेंट पे। और 52 थाली रेस्टोरेंट के पीछे क्या साइकी है वो उनके ऑनर से पूछेंगे, और इनका पूरा खाना जो होता है ना वो थाली में देते हैं। साथ साथ इनका चिकन चलियूस एक बहुत ही यूनिक डिश है, साथ साथ इनका अचार, रायता एज वेल एज गरम गरम दाल चावल। तीन शिफ्टें होती हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात। और दाल चावल ऐसे बिकते हैं जैसे बस आप आइए, चलिए चलिए जो इसको देखते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं। साथ में उसकी जो है मेकिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट इसको किस जिस तरह से सर्व किया जाता है वो हम देखते। फर्स्ट जो है इनकी होममेड जो पापड़ी है, देन जो है चिकन चलियूस जो कि चिकन चलियूस है जो कि बहुत ही यूनिक डिश है, इसकी उसको भी हम टेस्ट करेंगे। साथ साथ ये सर्व करके देते हैं हमें। और दूसरा ये कि ये चिकन कबाब है एज वेल एज ये चिकन स्टिक है। ऊपर अगर हम आते हैं तो ये सलाद कॉर्नर है, देन इनका अचार है, फिर ये आप ये देख सकते हैं इनका पैकेट बने हुए रायते के। और फर्दर सो ऑन, देन अगर हम दूसरी जगह पे आते हैं तो यहाँ इनकी जो दाल है, तो अगर आप देखें इसको खोल के अगर दिखा सकें, बहुत ही ज़बरदस्त दाल है। और मैंने आपको जैसे बताया था तीन शिफ्टें होती हैं इनकी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम होता है। और ये आप देख सकते हैं इनके चावल, दाल की जब ये बेग खोली है ना तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो खुशबू आई है ना, मतलब माउथ वाटरिंग खुशबू है। देन फर्दर ये इससे जो है आपकी यहाँ पे जो है ये चिकन स्टिक्स फ्राई होती हैं एज वेल एज चिकन कबाब होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है हाइजेनिक माहौल है, और एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर जिस तरह से जो है ऑर्डर आते हैं ये लगते रहते हैं, और ये दिन में बहुत ज़बरदस्त काम तरीके से ये समअप रैपअप हो जाता है काम। 52 थाली की जो है ये दाल चावल जो टेस्ट करते हैं, और उसकी जो है जिस तरीके से सर्व किया जाता है वो भी देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड। तो ये 52 थाली की जो है स्पेशल प्लेट जो आ चुकी है, और ये आई एम अमेज्ड जिस तरह से उन्होंने ये सर्विंग की है। टोटल जो है 7 to 8 आइटम्स हैं इसके अंदर, और इंक्लूडिंग जो है अनियन, और एज वेल एज जो है ये इनकी इसमें दाल है। और दाल के अंदर जो है उन्होंने बटर यूज़ किया है, वो बहुत ही अलग जो है ये खुशबू जो आ रही है, और जो है लिटरली जब इसको टेस्ट करूँगा तो उससे कहीं ज़्यादा जो है ये अमेजिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो आप ये देख सकते हैं यार, ये जो है इनका चिकन चलियूस है, ठीक है, एंड देन इनका ये जो है चिकन कबाब, एंड फर्दर ये चिकन पिस्ते। और अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये गाढ़ी हो गई है दाल, क्योंकि जो है इसके अंदर बटर डाला है, और दाल भी बहुत ही स्पेशल लग रही है, और इनकी स्पेशल प्लेट है। स्टार्ट करते हैं, बहुत आला यार, बहुत आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है यार। यार इट्स वर्थ इट, लिटरली इट्स वर्थ इट।
210 रुपए की स्पेशल प्लेट है, बहुत आला है यार लिटरली। ये इनकी पापड़ी है होममेड, ठीक है, और साथ साथ अगर देखा जाए अचार जो बहुत ज़्यादा जो है इनका अचार यूनिक है यार, घर के बने सारे आइटम्स हैं और ये घर से बन के आ रहा है। अनप्रडिक्टेबल, सीरियसली अनप्रडिक्टेबल, और जो उसका अचार है अचार का टेस्ट जूनी का अचार लग रहा है मुझे इसके लिए, क्योंकि इमली का टेस्ट है एज वेल एज कलौंजी और गाजर। और आप देख सकते हैं जो इसकी दाल, दाल के अंदर जो है हरी मिर्च और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर स्पाइसेस डले में, जो कि हम बता ही नहीं सकते यार कि लिटरली किस तरह से इसकी मेकिंग स्टार्ट मेकिंग हुई होगी। और जो उसकी दाल है बहुत ही आला, क्योंकि इसके अंदर जो है बटर डाला गया, एक चम्मच बटर डाला गया जो कि उसने दुबाला कर दिया। अच्छा भाई, अब ये है कि ये इनका है रायता, और रायता भी पिकअप प्योर से लग रहा है, बना हुआ लग रहा है, क्योंकि जो है बहुत ही गाढ़ा है, और चूँकि जो है कुछ चीज़ें जो है रेस्टोरेंट में ठंडी होती हैं जैसे रायता हो गया, तो वो क्योंकि उनके ऑनर का कहना है कि जो है वो जायका नहीं आता, वो बात नहीं रहती ठंडी चीज़ में। तो ये देखें, ये इनका चिकन कबाब है और ये दाल से लगाया और ये रायते से लगाया, उधम पीट दिया। दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और 52 थाली पे मैं आया हूँ और 52 थाली का, अच्छा साइकिल अगर देखी जाए 52 थाली नाम क्यों रखा गया, 52 थाली बेसिकली इनके 52 फ्रोजन आइटम्स हैं जो कि ऑल ओवर कराची जो है ये देते हैं, सर्व करते हैं, तो दैट्स वाई। और इनका नाम भी 52 थाली के नाम से रजिस्टर्ड है FBR के अंदर, जिस वजह से जो है उन्होंने 52 थाली नाम रखा। अच्छा, ये चिकन चलिए उस ये आप देख सकते हैं यार, इसके अंदर जो है मसाला आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने ऐड किया हुआ है, और इसके अंदर साथ साथ जो है हरी मिर्चें भी हैं यार, ये देखें आप, और इसको भी हम टेस्ट करते हैं रायते से लगाते हैं। बहुत आला। अच्छा, इसके अंदर जो है हरी मिर्चें का मसाला, जैसे हरी मिर्चें बनती है, और ऊपर से जो है उन्होंने बेसन की टॉपिंग एज वेल एज हरी मिर्चों के अंदर जो है ना उन्होंने मसाला ऐड किया, उनका स्पेशल मसाला है, और ये आ गई इनकी चिकन स्टिक, और चिकन स्टिक देखें यार, यार बहुत आला। सारी चीज़ें स्पाइस सब अप टू डी मार्क है, एंड आई रिकमेंड यू दिस 52 थाली इज रियली रियली गुड फॉर योर मूड यार, दिल जीत लिया, बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत आला। अच्छा, जो आप देख सकते हैं जो उसके दाल के अंदर से ही आपका चीज़ें नुमाया हो रही हैं, कलौंजी, आपका कैरेट, एज वेल एज जो है कड़ी पत्ता, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना आपका मज़ा दोबारा कर देती है खाने के अंदर। और ये सलाद भी वो तो मैंने यूज़ ही नहीं की, क्योंकि मैं इतना इंटू हो गया हूँ इस चीज़ के अंदर, बहुत ज़बरदस्त यार। आप चिकन चलियोस, चिकन कबाब, चिकन स्टेक, होम मेड जो है पापड़ी, और एज वेल एज जो है इनका अचार, वर्थ इट। यार दाल अलग ही है, लिटरली दाल बहुत डिफरेंट है। बिरयानी जो है कराची में टोटली हर रेस्टोरेंट के अंदर एज वेल एज सेम टेस्ट होता है, बट देखा जाए दाल चावल के बाद यार ये मज़ा ही दोबारा कर दिया, और बहुत ही अलग है ना, अमेज यार। क्योंकि आप जब भी जो है नाजामाबाद आएँ 52 थाली पे ज़रूर विजिट करें, जिसके अंदर के अंदर लोकेशन मैं आपको दे दूँगा, बहुत ज़बरदस्त है मेरा एक्सपीरियंस रहा। एंड बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई,
बहुत आला। बस भाई दिल खुश कर देता हूँ। इस वीडियो में इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सबके रिस्क में इजाफा अता फरमाए और आप सबको खुश रखे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। और आप भी जल्दी यहाँ पे आए ताकि आपको ये थाली पहले मिल सके। और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे गई चीजें सारी होती है, मतलब और सेल्फ बेसिस है। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।